hello dear students how are you all welcome back to the session of class 12th physics subject and dear students today we will discuss about our next article based on gauss theorem okay तो दिस आर्टिकल इज डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर्टिकल है ये एक तरह की गॉस सीरम की एप्लीकेशन है और गॉस सीरम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्लोज सरफेस में वो किसके इक्वल होती है चार्ज इन क्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस डिवाइड ठीक है ये हमारी गॉस सीरम थी तो इसको यूज करते हुए आज हम एक आर्टिकल नेक्स्ट एप्लीकेशन के बेसिस पे एक आर्टिकल करेंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है आपने एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग लाइन चार्ज जो है यानी कि एक वायर कंसीडर कर लेनी है जिसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है अब ये ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पे हमने पहले बात की हुई है कि इसमें आप फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो वाला फार्मूला लगाओगे यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं और ये होते हैं लेमडा के इक्वल ओके okay? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे हम लेमडा लिख देंगे ओके okay? और ये क्या है एक्सिस ऑफ सिलेंडर ठीक है सिलेंडर के एक्सिस पे आ, के ऊपर वायर जो पड़ी है इट मींस आपने आठ डिस्टेंस के ऊपर ठीक है ये आठ डिस्टेंस लेके यहाँ पे ऐसे सिलेंड्रिकल सरफेस जो है वो बना देना है ओके okay, तो ये आपका सिलेंड्रिकल सरफेस आ गया इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे ओके okay जी तो ये आपका सिलेंड्रिकल सर्फिस है और जो वायर है दैट इज ऑन दी एक्सिस एक्सिस यानी कि ये सेंटर ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सरफेस जो है उसके ऊपर वायर जो है पड़ी हुई है ठीक है अब मान लीजिए आपने जो इसकी लेंथ है मान लो इस वायर की सिलेंड्रिकल सरफेस जो कि इसमें आप इसकी लेंथ एल मान सकते हो और जो ये आर है आर इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर ठीक है मान लीजिए जहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है ठीक है ये सी पॉइंट है इस सी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो हम e मान लेते हैं ठीक है और आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, वो ठीक है? कहां पे outward, okay? और डीएस uh, uh, इसकी डायरेक्शन जो है वो आप अलॉन्ग दी ई यहाँ पे मान सकते हो जहाँ फिर हमने जैसे यूनिट वैक्टर लिया था ठीक है यूनिट वैक्टर आर ओके जो कि इसका अः uh, क्या होगा मान लीजिए ये uh, आर जो है रेडियस है ठीक है तो यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन वो हम कितना लेंगे आर नॉट और डी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एन नॉट ले लेंगे एन एन यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे और आपको पता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो वन के इक्वल होता है इट मीन्स हम सीधा यहाँ पे डी जो है वो कंसिडर कर लेंगे ठीक है मतलब वो वाली चीज़ें सारी सेम यहाँ पे रिपीट होंगी तो लेकिन हमने इस आर्टिकल को शॉर्ट में कैसे करना है क्योंकि ज़्यादातर पेपर में टू मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है ठीक है तो उसमें आप डायरेक्टली आ, आ, इसको कैसे करोगे उससे पहले जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसको बच्चों ये सारे को हमने गॉजियन सरफेस बोलना है ठीक है ये पॉइंट भी याद रखना है ठीक है क्योंकि आपने ये वाला गोजियन सरफेस यहाँ पे डी एस लिया है स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन तो ये पूरा का पूरा जो है सरफेस ही होगा किसका ये इस लाइन चार्ज का ओके तो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका फार्मूला क्या होता है उसका फार्मूला बच्चे e हो, होता है यहाँ पे जो ई e तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई और बच्चों जो डी uh, एस होगा वो क्या होगा इसका करब्ड सरफेस एरिया ठीक है क्या होगा करब्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ओके क्या होगा करब्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे आपको पता है एरिया का जो है, टू पाई होता है सभी को पता होगा टू पाई आर एल ओके तो फाइव की वैल्यू यहाँ पे आ गई टू पाई आर एल ओके उसके बाद बच्चों अकॉर्डिंग टू गॉस सीरम अब हम गॉस सीरम अप्लाई करेंगे इसको हम इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं और जो गॉस सीरम के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि

लीनियर चार्ज डेंसिटी तो लेमडा इंटू एल आ जाएगा डिवाइड बाई एपसाइलेंट नॉट होगा इसको आप थर्ड इक्वेशन दे दो चाहे ओके okay? उसके बाद इन दोनों को यानी कि फ्रॉम वन एंड थ्री ठीक है फ्रॉम वन एंड थ्री ठीक है फ्रॉम वन एंड थ्री आप क्या करोगे uh, इन दोनों को इक्वेट कर देना क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में फ्लक्स आ रहा है इट मीन राइट साइड भी जो है वो दोनों की इक्वल होंगी तो राइट right साइड में क्या है Uh, e into 2 pi R L equal to lambda into L लेमडा by epsilon डिड ठीक है तो यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हो तो ये क्या आ जाएगा by 2 pi epsilon एप्साइलेनोट ठीक है 2 pi epsilon एपसाइलेनॉट और ये L के साथ L यहाँ पे कट रहा है साथ में क्या आ जाएगा lambda upon R ठीक है lambda upon R इट means इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो इस एक्सप्रेशन में चार्ज डेंसिटी यानी कि जो कंडक्टर था वायर थी वायर की लेंथ के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता सिर्फ और सिर्फ उसमें उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लेम्डा के ऊपर डिपेंड करेगा और कितनी डिस्टेंस पे आप फाइंड आउट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा यानी कि ई e जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया जो आर के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी के ठीक है सो so ये जो आर्टिकल था इस आर्टिकल को आप लोगों ने कर लेना है इस आर्टिकल के बेसिस पे अभी हम एक नुमेरिकल भी कर लेते हैं नुमेरिकल है, है in, in, uh, field, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है नाइन इन टू न्यूटन पर कूलम ओके एट ए डिस्टेंस

फोर uh, पुट कर सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक आपको लगानी है कि आपने इसको टू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर नीचे ठीक है दोनों साइड तो ये वन अपॉन फोर नॉट हो जाएगा जिसकी वैल्यू नाइन इंटू पावर नाइन होती है टू इंटू लैमडा आपने निकालना है आर आपको दी हुई है टू मीटर टू के साथ टू कट जाएगा नाइन के साथ नाइन कट रहा है ओके okay, तो लैमडा कितना आ गया टेरेस टू पावर फोर डिवाइड बाई टेस टू पावर नाइन इट मीन ये आ गया फोर माइनस नाइन इज इकल टू टैर टू पावर माइनस फाइव ठीक है इतनी आ गई माइनस फाइव ठीक है तो ये आप लोगों का आंसर जो है यहाँ पे आएगा ओके एक बात और याद रखना अगर ये सेंटीमीटर में होते ठीक है तो आपने फिर इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना था मीटर में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपका आंसर जो है वो आना था ठीक है तो ये तो सीधा मैंने मीटर में ले लिया वैल्यू तो कूलम पर मीटर इसका आंसर जो है यूनिट इन यूनिट कूलम पर मीटर आंसर आ जाएगा ठीक है इस यूनिट्स में ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज आर्टिकल इस आर्टिकल को बच्चों सभी ने अब कर लेना है थैंक यू थैंक यू सो मच